रॉबिन अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम रॉबिन वर्मा है और मैं CIPG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और एक एक्टिविस्ट हूँ। और मैं 19 तारीख का जो प्रोटेस्ट था, मैं उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में था, उसका एक हिस्सा था। 20 तारीख को मुझे पुलिस ने उठाया जब मैं अपने एक पत्रकार साथी के साथ BJP ऑफिस के पास में बैठ के खाना खा रहा था। एडवोकेट मोहम्मद शुएब हैं जो घर से डिटेन कर लिए गए थे 19 तारीख की रात में, उनके बारे में हम लोग पता लगा रहे थे। तभी कुछ सादी वर्दी में, या यूं कहें कि पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे, मुझे लगा वो सिविलियंस हैं, उन्होंने वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा आप रॉबिन हैं, आपको हमारे साथ चलना है। उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, जो मेरे पत्रकार साथी साथ में बैठे हुए थे उनका भी फ़ोन ले लिया उन्होंने। मैंने उनके साथ चलने से मना किया कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं, आप पुलिस अपने आप को बता रहे हैं। तो वो नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है वहाँ से पुलिस वाले को लेकर आए, तब उसने तस्दीक की कि ये पुलिस वाले हैं और आप इनके साथ चले जाइए। तो वहाँ से मुझे और मेरे जो पत्रकार साथी हैं उनको लेकर गए हजरतगंज कोतवाली। फिर वहाँ उन्होंने मुझे मारा पीटा और बहुत सारी ऐसी बातें की जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। मेरे परिवार के बारे में उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला। आने जाने के बाद पहली क्या प्रतिक्रिया रही पुलिस की? पुलिस आपके साथ एक पत्रकार भी थे उमर जी, वो द हिंदू के थे, उनको पुलिस जानती भी थी, उनको भी कुछ देर बैठाया गया। लेकिन हमें जो पता चला कि पुलिस का बर्ताव आपके साथ काफ़ी बुरा रहा, क्या हुआ था एग्जैक्टली? पुलिस ने बहुत मारा पीटा और शायद मैं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, मेरे फ़ोन को वो चेक कर रहे थे कि तुम्हारे फ़ोन लिस्ट में इतने मुसलमानों के नाम क्यों हैं, ये तुमको फ़ोन क्यों करते हैं। क्योंकि मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे वहाँ पे मैक्सिमम माइनॉरिटी आते हैं, मैं उनसे बात करता था, आप इन रास्तों से क्यों जाते हैं, मेरे कॉलेज का रास्ता वही है मेरे घर से, नखास खदरा पुराने लखनऊ होके मैं जाता हूँ। और वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम क्यों इसका विरोध कर रहे हो, वो तो जो मुसलमान आए हैं उनको जाना पड़ेगा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि नहीं, हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रिलीजन की बात नहीं है और ये गरीब विरोधी कानून है। तो इसमें तो इसमें ये एक नैरेटिव था कि जो मुसलमान हैं उनको जाना पड़ेगा, वो पुलिस यही कह रही है कि इसमें मुसलमान इस आंदोलन में शामिल है, हिंदू कहाँ से है, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है जी। तो इस तरीके से पूरा उन्होंने फिर मारा पीटा मुझे, हजरतगंज कोतवाली में मारा पीटा, फिर उसके बाद वो सुल्तानगंज पुलिस चौकी लाए, पहले मारा पीटा, फिर मुझे दूसरे रूम में बिठा दिया, फिर मेरे जो पत्रकार दोस्त हैं उनके साथ कुछ बातचीत की उन्होंने, फिर मुझे मारा पीटा वहाँ उन्होंने, फिर उसके बाद मुझे हजरतगंज कोतवाली लाया, वहाँ मारा पीटा। इस दौरान मेरा फ़ोन उन्हीं के पास था, मेरा DL भी उन्हीं के पास है, अभी भी उन्हीं के पास मेरा फ़ोन और DL। क्योंकि ये अगर फ़ोन या DL सीज करना है तो उसके लिए तो कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए ना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मुझे दिखाया। दिस इज ऑल्सो वायलेशन, ये भी इलीगल ही है एक तरीके से। उन्होंने कोई मुझे अरेस्टिंग कोई अरेस्ट वारंट नहीं मुझे दिखाया, उन्होंने कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं दिखाया, मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा DL ले लिया उन्होंने मेरी शिनाख्त के लिए। और मुझे हजरतगंज कोतवाली जब वो दोबारा लाते हैं फिर उन्होंने मारा पीटा, गालियाँ दी मुझे, मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोला, मेरी वाइफ़ के बारे में उन्होंने बोला कि हम उसको ऐसी जगह बिठा देंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो, ज़िंदगी भर वो धंधा करेगी, तुम्हारी बेटी के साथ भी वही हम करेंगे, तुमको ज़िंदगी भर के लिए सड़ा देंगे, इस तरीके से था। फिर रात भर उन्होंने मुझे बिठा के रखा, इतना ज़्यादा मारा था कि चेहरे पे स्वेलिंग आ गई थी, हाथ पैरों में शायद टिश्यूज भी रपच्चर हुए। फिर मैंने और वहाँ पे दारापुरी जी को लाया जाता है रात में, दारापुरी जी मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे जी। इतना मेरे चेहरे पे स्वेलिंग थी जी। और इस दौरान मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया, मैं टॉयलेट के लिए पूछ रहा था, टॉयलेट भी नहीं उन्होंने दिया। और वो बैठे रहो, अगर पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती थी खड़ा हो जाता था, फिर वो गालियाँ देते थे, डंडा उठा लेते थे मारने के लिए, तो फिर मुझे मजबूरन बैठना पड़ जाता था। ये काफ़ी कुछ थर्ड डिग्री टॉर्चर के जैसा था। मैंने थर्ड डिग्री देखी नहीं, लेकिन अगर थर्ड डिग्री ऐसी जैसा लोग कहते हैं कि बुरा बर्ताव, तो ये वही था जी। लात घूसों से मारा है, डंडों से मारा है, बेल्ट से मारा है। कोई मेडिकल हेल्प आप लोगों को दी गई? नहीं, फिर जब FIR हो गई उसके बाद हमें ये सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, मैंने डॉक्टर को अपनी बात रखनी चाहिए, डॉक्टर ने अनसुना कर दिया, चलो हटो किनारे। और बराबर पेन होता रहा, मेरे शोल्डर में अभी भी पेन है, मेरी इस उंगली में अभी भी ये पूरी तरह से बेंड नहीं होती है, नीज़ में भी है। तो कोई मेडिकल एड नहीं मिली। फिर शाम को मैंने जाके दारापुरी जी की बॉटल से पानी पिया, उसके बाद ये हमें किसी मैजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गए, सीधा जेल लेके गए, और फिर वहाँ से उन्होंने हमें हवालात में वहाँ जेल में डाल दिया। जेल में क्या हुआ, कैसे बीते 19 तारीख से
आज 13 तारीख है, लगभग एक महीना, लगभग एक महीना, हाँ 21 तारीख को हमें जेल ले गए थे और आज मैं रिहा हुआ जेल। खैर जेल में उस तरह का भेदभाव तो नहीं जैसे यहाँ जो सिविल पुलिस है उसका भेदभाव था, बस यही है कि जेल तो जेल है, वहाँ हमें पत्थरबाज कहा जाता था, वहाँ हमें दंगाई कहा जाता था, जो आम कैदी हैं। एक नैरेटिव ड्रॉ कर दिया मीडिया ने, जो टीवी पे उनको दिखा रहे थे, जो हिंदी न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि दंगाई हैं, पत्थरबाज हैं, तो इस तरह से वहाँ लोग बोलते थे। जेल में कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने बता, जो कि इनोसेंट रहे हों जेल में डाल दिया गया? मैं जिस अगर हम ये बड़े चेहरों को छोड़ दें, दीपक कबीर है, सर दारापुरी, इनको छोड़ दें, क्या उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे, बच्चे स्टूडेंट्स बहुत उठाए गए हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, एक आदमी बिल्कुल कमज़ोर सा जो अपना शरीर नहीं संभाल पा रहा है, अपनी पैंट नहीं संभाल पा रहा, उसको पत्थरबाज बोल के लाए। एक आदमी, एक बच्चा है, उसके सर में स्टिचेस लगे हुए हैं, उसको पुलिस ने इतने बुरी तरीके से मारा है, और एक आदमी का सर फट गया था, उसका पूरा जैकेट रेड रेड था, फिर वो हम लोगों ने वहाँ धुलवाया, बाद में उस बच्चे के पास जैकेट भी नहीं था, वही बेचारा धुला सुखाया। और बहुत सारे बच्चे हैं अभी ऐसे जिनका कोई वकील नहीं है, बांग्लादेशी के नाम पे उठाया, जिस सर्कल में मैं था, जिस अहाते में, वहाँ पे हैं वो बताते हैं कि वो नौशीजान होटल में काम करते थे, उन्होंने शटर खटखटाया और जैसे उन्होंने शटर उठाया वो उनको ले गए। तो काफ़ी वॉयलेशन हुआ और काफ़ी टॉर्चर हुआ आप लोग का? बिल्कुल। चलिए, न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।